टीवी सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का में देखने को मिला है एक ऐसा नज़ारा जिसको देखने के लिए आप हम कब से आतुर थे। जी हाँ, फाइनली कुणाल की बाहों में है नंदिनी और ये मौका है कहीं और का नहीं, चंडिका देवी मंदिर का, जहाँ पर ये लोग हालांकि तो इकट्ठे पहुँचे थे, यानी कि मौली, माँ, दीदा, कुणाल और नंदिनी, लेकिन कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये सब लोग आपस में बिछड़ गए। पर अब नंदिनी कहाँ सुनने वाली है। नंदिनी ने ये ठान रखा है कि वो दीदा की मानी हुई मन्नत को पूरा करेगी और साड़ी चढ़ा कर ही जाएगी। तो अब ऐसे में अगर कोई भगवान की मन्नत को पूरा करना चाहे तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो नंदिनी चल पड़ी है मन्नत पूरी करने के लिए और साथ ही में कुणाल भी चल पड़ा है। लेकिन ये क्या, अचानक नंदिनी के पैर में क्या चुभा और नंदिनी गिर पड़ी कुणाल की बाहों में, और कुणाल ने भी बड़े प्यार से नंदिनी को समेट लिया है अपनी बाहों में। लेकिन दूसरे ही पल कुणाल ने इंसानियत का तकाजा दिखाते हुए नंदिनी के पैरों से वो कांटा निकाला और अपने रुमाल से उसके पैरों पर पट्टी तक बांध दी। वेल, ये प्यार है या दोस्ती या फिर कोई मजबूरी, इसे जानने के लिए तो दोस्तों आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नंदिनी के पीछे पीछे कुणाल आई थिंक कहीं पहुंच गए, कहाँ है? एक्चुअली हम लोग दीदा की मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं एक मंदिर में, गौरीपुरम में। लेकिन यहाँ पर एक हादसा हो जाता है, सब साथ में होते हैं, मौली, मैं, माँ, दीदा, नंदिनी, फिर लेकिन एक नेचुरल क्लैमिटी होती है और उस नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हम बिछड़ जाते हैं। मैं और नंदिनी एक तरफ हो जाते हैं और एक तरफ मौली, दीदा और माँ हो जाते हैं। और ऐसी कुछ सिचुएशन होती है कि हम दोनों मतलब पार्ट्स नहीं मिल सकते हैं। सो इसलिए हम इस तरफ हैं और आइडियली हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन नंदिनी कहती है कि नहीं, मुझे दीदा की जो मन्नत है वो पूरी करने के लिए मुझे अब सारी चढ़ान चढ़नी है और मन्नत पूरी करके ही आनी है। सो आई एम जस्ट यू नो स्टक इन अ सिचुएशन और मुझे नंदिनी की बात माननी पड़ती है और मुझे उसके साथ पीछे जाना पड़ता है, बिकॉज यू नो दीदा की मन्नत पूरी करने के लिए मैं नंदिनी की जान खतरे में डाल नहीं सकता और नंदिनी अकेले को मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं नंदिनी के साथ ऊपर जा रहा हूँ। और बाय द टाइम वी फेस मैनी सिचुएशंस, लाइक वो ऑलमोस्ट गिरने को होती है तो मैं उसे बचा लेता हूँ, फिर उसके पैर में कांटा लग जाता है तो फिर मैं उसे निकालता हूँ, और फिर एक बाबा आते हैं, फिर उसे बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं लव के बारे में, और फिर यही सिचुएशन चल रही है। राइट, पर यू नो काफी ये तो अकेला मी टाइम, अकेला टाइम मिल गया कुणाल और नंदिनी को कहने का। मी टाइम कुणाल को चाहिए था मौली के साथ, और वो जाने से पहले, घर से निकलने से पहले बोलता भी है मौली को कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, लेट्स गो समवेयर आउटसाइड, और आज का दिन सिर्फ मैं और तुम ही सेलिब्रेट करेंगे। और जबकि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मैं और नंदिनी फंस जाते हैं एक साथ, और अब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे को फेस करेंगे, कुणाल किस तरीके से यू नो नंदिनी को देखेगा जब उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो नंदिनी के बारे में नहीं सोचेगा, तो फिर से वो सारी चीज़ें कुणाल के ऊपर हैमर होती है, तो फिर हाउ कुणाल विल डील विद इट, दिस इज द सीन फॉर इट। ओके, आउटडोर आज आप लोग शूट कर रहे हैं, आउटस्कर्ट मीडिया रोड के बाहर, और मंदिर में सच में काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर तक आप लोग चढ़ने वाले हैं, कितना हेक्टिक रहा यू नो ये बार बार चढ़ना उतरना? एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि थोड़ा सा कार्डियो हो रहा है, वैसे ही वर्कआउट करने का मौका इतना मिलता नहीं है, तो जितनी सीढ़ियाँ चढ़ो उतना अच्छा है, उतनी कैलोरीज बर्न होती रहेंगी। सो आई एम एंजॉइंग इट एंड आई हैव शॉट हेयर मेनी टाइम्स बिफोर। ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, आधे तक की मतलब करीबन 150 सीढ़ियाँ हैं, तो ये मेरे ख्याल से 500-600 सीढ़ियाँ तक है ये। थैंक यू सो मच।